टेस्टी स्पाइसी पनीर कोल्हापुरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब पनीर कोल्हापुरी की रेसिपी लेके आई हूँ। पनीर कोल्हापुरी काफ़ी स्पाइसी होता है, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा कम इसको स्पाइसी बनाया है, लेकिन इसके स्वाद में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो बहुत ही टेस्टी पनीर कोल्हापुरी है। तो पनीर कोल्हापुरी बनाने के लिए देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए। टमाटर और लहसुन लिया है, यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर है और 10 से 15 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो अब हमको कोल्हापुरी मसाला बनाना है। तो कोल्हापुरी मसाले बनाने के लिए देखिए, मैंने ये देखिए, ये मैंने काजू लिया है, ये 20 काजू है और तिल है और पोस्ता दाना है और इधर गरम मसाले हैं। गरम मसाले में मैंने देखिए धनिया लिया है 2 बड़े चम्मच, लाल मिर्च है, जीरा है और ये देखिए छोटी इलायची, बड़ी इलायची ये दिख रहा है, काली मिर्च और लौंग और दालचीनी है। तो ये सब चीज़ आपको मसाले चाहिए। तब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। तो इधर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया, इस पर सारे मसाले को हमको रोस्ट कर लेना है। गैस का फ्लेम मैंने एकदम लो रखा है, तो लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से आपको मसाले को भूनना है। तो ये देखिए इस तरह से हमको मसाले को एकदम मतलब ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। तो बहुत ही अच्छे मसालों की देखिए अब अरोमा आ रही है। तो ये देखिए अब हम जो इसमें काजू है, पोस्ता दाना है और तिल है, ये सबको भी अच्छे से डाल देना है और इनको भी अच्छे से आपको भूनना है। तो कोल्हापुरी जो पनीर बनता है इसमें ये खास मसाले बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो बस इसको 1 मिनट तक ऐसे आपको भून लेना है और ये देखिए ये अच्छे से अब सिक चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो ये देखिए अब ये सिक चुका है, अब गैस का फ्लेम बंद करके अब इसको मिक्सर के जार में मैंने डाल दिया है और इसका हम दरदरा पाउडर बनाएंगे, एकदम पतला पाउडर नहीं बनाएंगे। तो ये देखिए ये पीस के रेडी हो चुका है। तो ये मेरा टेस्टी कोल्हापुरी मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो अब हम उसी में प्याज का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज को हमने पीस लिया है और ये देखिए मैंने प्याज, अब इसमें पनीर को पीसना है। ये देखिए पनीर है और दूध है। तो ये देखिए पनीर मैंने ले लिया है, पनीर के 4-5 टुकड़े आपको बड़े बड़े ले लेना है और ये दूध है। तो 1/2 कप दूध और पनीर का आपको पेस्ट बना लेना है। तो ये पेस्ट अब रेडी हो चुका है और इधर मैंने गैस ऑन कर दिया है और गैस पर मैंने 2 बड़े चम्मच शुद्ध सरसों का तेल लिया है। तो आप चाहे तो कोई और भी तेल यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अदरक और लहसुन है और इसको मैंने मतलब कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। तो मैंने लहसुन और अदरक को डाल दिया है और इसको हम भुनेंगे। तो यहाँ पर मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो मैंने जीरा डाल दिया है। तो अब इसका कलर चेंज होने तक मैंने भुन लिया है, कलर आपको दिख रहा होगा चेंज हो चुका है। अब मैंने प्याज डाल लिया है और प्याज को भी हमको भूनना है। तो गैस का फ्लेम आप लो कर दीजिए। एक चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप चाहें तो ये प्याज को पीसिए नहीं, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर है कि अगर आपको कद्दूकस करना आसान नहीं लगता तो आप पेस्ट बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी ये कोल्हापुरी पनीर बनती है। तो ये देखिए किनारे से तेल छूटने लगा है और अब मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। तो सरसों का तेल डालने से ये पूरा आपको पीला पीला दिख रहा होगा और ये देखिए मैंने लाल मिर्च डाल दिया है और अब हम ये जो कोल्हापुरी मसाला है वो हम डाल देंगे। तो सारी खूबी इसकी ग्रेवी में होती है, यानी कि कोल्हापुरी मसाले में होती है। तो बस अब इन सबको हमको अच्छे से भून लेना है। भूनते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम लो रखना है। तो ये मसाला भी पहले से भुना हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता इसके मसाले को भुनने में। तो बस ये अच्छे से देखिए तेल छूटने लगेगा, यानी पक के रेडी हो चुका है। और अब हम ये देखिए इस तरह, तो तेल आपको नीचे से दिख रहा होगा। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो ये देखिए ये जो 2 टमाटर थे मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और इसको हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च और टमाटर को साथ में मिला के पेस्ट बनाएंगे तो इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। पनीर कोल्हापुरी की सारी खूबी इसकी ग्रेवी में होती है। तो ये देखिए इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे
और ये क्योंकि अभी टमाटर इसमें पका नहीं है तो इसको हमको भुनना है। तो 1 से 2 मिनट अब हो गए हैं, अब हम इसमें वो जो पनीर और दूध डाले थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने पनीर और जो दूध का पेस्ट बनाया था इसको मैंने डाल दिया। इस सब का मैंने एकदम पतला पाउडर नहीं पीसा है। तो ये देखिए इन सब को भी हमको अच्छे से भून लेना है और 3 से 4 मिनट तक हमको इस मसाले को भूनना है। तो सारी खूबी मैंने बताया कि इसके ग्रेवी में होती है। तो ये देखिए आप पानी अपने आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा जैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया है। तो आप जैसा ग्रेवी चाहें उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए और बस आपको ढक देना है। तो 1 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे कि ये कैसा पका है। तो ये देखिए ये इसका कलर थोड़ा अच्छा आ गया है और अब हम इसको फिर से ढक के पकाएंगे। तो आपको ढक के 2 से 3 मिनट तक पूरा पकाना है। तो ये देखिए अब ये इसको हमको अच्छे से चला लेना है इसके ग्रेवी को। और अब हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है कोल्हापुरी पनीर की रेसिपी। तो देखिए मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। तो ये कसूरी मेथी मैंने घर पे ही बनाया था और अब हम पनीर ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पनीर को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें चकोर भी कट कर सकते हैं, जैसा आप चाहें उस हिसाब से आप कट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और अब देखिए इस तरह से पनीर डाल के और आपको फिर ढक के पका लेना है। तो 2 मिनट के लिए फिर से आपको ढक के पका लेना है। तो बस बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस कोल्हापुरी पनीर बनती है। तो मैंने बताया कि इसकी सारी खूबी इसके मसाले में होती है। तो 2 मिनट हो चुके हैं तो एकदम टेस्टी आपको दिख रहा होगा कि अच्छे से ये पक चुका है। इसको बहुत चलाना नहीं रहता है। तो अब इसमें सब तो मैगी मसाला ये मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए इसको डाल के बस आपको चला लेना है एक बार और फिर आपको ढक देना है। तो बस देखिए इसके सारे मसाले को मैंने मैगी मसाले को डाल के तो इसको मैंने ढक दिया है। और अब ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। और अब इसको एक बाउल में निकाल लें। तो इसमें आप चाहें तो इसको इसमें तड़का दे सकते हैं। तो हरे मिर्च टमाटर और घी से इसका तड़का दिया जाता है। आई होप कि आपको ये टेस्टी डिलीशियस कोल्हापुरी पनीर की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड।